एट्थ हाउस में एट्थ राशि है और राहु है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाले हाउस में ही एट्थ राशि बैठी है और राहु है और राहु की महादशा चल रही है, मतलब ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। हाँ, ऐसे में अगर राहु को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत की एनर्जी की तरफ नहीं चैनलाइज किया तो राहु इनकी जिंदगी को चैनलाइज कर देगा बुरी तरीके से। तो अगर क्या करना? अच्छी तरीके से भाई राहु की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने नहीं किया, देखो हम लोग ऐसा समझते हैं कि बृहस्पति वाला महात्मा होता है, यही मानते हैं ना कि जो बृहस्पति वाला है वही ज्ञानी है, जो शुक्र वाला है वही ज्ञानी है, इन्हीं को मानते हैं ना। राहु जो है वो बृहस्पति की बातों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है, जो नॉन ट्रेडिशनल तरीका है। क्यों? क्योंकि राहु ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता, जो लिखा होगा वो उसके ठीक अगेंस्ट बात करेगा और अपनी बात साबित करके रहेगा। अगर उसको आप बोलोगे ट्रेडिशनल वे से चलो तो वो चल नहीं पाएगा, वो खराब हो जाएगा। जैसे बहुत बड़े बड़े गुरु लोग जो हुए हैं, हम लोग कहते हैं ना ये फलाने गुरु जी हैं फलाने गुरु जी हैं, तो गुरु जी का मतलब क्या? जुपिटर है ना। जुपिटर गुरु तो बनाता है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर जुपिटर के साथ राहु जुड़ जाए तो वो रजनीश जैसे गुरु बनाता है। रजनीश ने सारी परंपराएं तोड़ के, जो ट्रेडिशनली आप रजनीश के कभी वीडियो सुनो, आप थोड़ी देर सुनोगे ज्यादा देर सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतने कंट्रोवर्शियल हैं, इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत बड़े संत हुए, उनके पास ध्यान शक्ति गजब की थी, लेकिन जो ध्यान के मेडिटेशन के या ज्ञान के जितने भी ट्रेडिशनल तरीके थे उन सबको ब्रेक करके वो महात्मा बने। चक्रों के बारे में, जो हमारे ये सेवन चक्रास होते हैं, इनके बारे में अगर कभी डिटेलिंग समझनी हो ना तो ओशो को सुनो, वो आपको वो बताएगा जो कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि उसके पास बाउंड्री नहीं है। जो बृहस्पति वाले गुरु होते हैं उनके पास बाउंड्री होती है कि ये धर्म में है, ये मर्यादा में है, ये एक सोशली वेल फ्रेम्ड है, इसको तो दे दो, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो सोशली फ्रेम्ड नहीं है वो उसको छुपा जाओ, वो मत दो। जैसे आमतौर से जो है कोई पंडित आपको ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि पूजा पाठ मत करो, जुपिटर का जुपिटर पे हिट होगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई पूजा पाठ मत करो नुकसान होगा, लेकिन कोई पंडित आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा। ये कौन बोलेगा? जो राहु को साथ लेके चल रहा होगा, वो कहेगा नहीं मैं तो बना इजी नहीं हो कि ट्रेडिशन तोड़ना है मैंने, तो वो कहेगा नहीं ये छोड़ दो मत करो। और किसी मंदिर के पंडित में हिम्मत नहीं जो वो कह दे पूजा पाठ छोड़ दो, कह ही नहीं सकता, आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। और जो कहे, आप एक बार कोट एक फेसबुक पे डाल के देख दो कि किसी किसी समय में भगवान की पूजा करने से बहुत नुकसान होता है, देखना आपको क्या गालियां पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम में नहीं है, वो फ्रेम के बाहर है, आउट ऑफ द बॉक्स है। तो राहु जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो नॉर्मल नहीं है। अगर इसको आपने राइटली चैनलाइज करा तो ट्रांसफॉर्म कर देगा, नहीं तो ये डिस्ट्रक्शन कर देगा। तो क्या करना चाहिए? तो चैनलाइज करो। कैसे? तो अभी क्या दिक्कत चल रही है? कोई है दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं है, पर पहली थोड़ी बात तो ये समझ लो उधार उधार किसी को नहीं देना है, ऐसा जो दिया सो खोया। ऐसे समय में कभी भी कोई भी व्यापार नहीं शुरू करना चाहिए, कौन सा जिसमें सामान लगता हो कि मैं दुकान खोल रहा हूं कि जूतों की पूरी दुकान जूतों से भर दी, लुट जाएगी। सामान अगर दुकान पे है तो वो खत्म हो जाएगा, दाल चावल रखोगे वो भी नहीं बिकेगी। एट हाउस तो वो कमाल का हाउस, क्योंकि वो सवाल नहीं रखने देगा, कभी नहीं रखने मेरा एक क्वेश्चन है। राहु की दशा हो तब तक 18 साल तक। राहु की, राहु की दशा की बात नहीं कर रहा। अगर अष्टम की कोई चीज चल, अष्टम आपका एक्टिवेटेड है उस समय में, आप देखना लोगों का व्यापार डूब जाता है, अनिल अंबानी का
एट हाउस की दशा चल रही है। मैंने पत्री बाद में देखी, शायद पिछली क्लासों में आप लोगों के साथ ही था कोई, मैंने प्रेडिक्शन की थी, देखना इसके जेल जाने की भी नौबत आएगी। और अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया सिमंस के 500 करोड़ दो 30 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो जेल भेज देंगे। अगले दिन स्टेटमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, अष्टम एक्टिवेट है तो जहाज डूब जाएगा, उसकी सारी कंपनियां एक एक करके डूब गई। एक ही बाप की दो औलादे, एक कहाँ है दूसरा कहाँ है, देख लो क्यों, एक की एट हाउस की दशा चल रही है, तो जहाज डूबना ही डूबना है, तो सामान जितना है वो खत्म हो जाएगा।